चौक बाजार क्षेत्र में सालों से जो ऐतिहासिक शनिवारी बाजार लगता है, जो कि पिछले कुछ समय से रविवारी बाजार में तब्दील हुआ है, उस रविवारी बाजार में पिछले कई समय से गरीब और श्रमिक लारी गल्ले एवं बिछोने लगाने वाले गरीब लोगों से हफ्ता वसूली के नाम पर पठानी उघरानी करने की बातों ने पहले भी जोर पकड़ा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से इस बात की चर्चाएं थम गई थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से फिर इसी बात की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। आपको बता दें कि सूरत के चौक बाजार क्षेत्र में सालों से लगने वाले शनिवारी बाजार में हफ्ताखोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब तो उन हफ्ताखोरों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। मिली हुई जानकारी के मुताबिक गत रोज सूरत के शनिवारी बाजार में स्थानिक लोगों द्वारा हफ्ताखोरों की जमकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा बंद करवाए गए हफ्ता वसूली के मामले के मद्देनजर गत रोज दो अनजान शख्स द्वारा अपनी झूठी पहचान पुलिसकर्मी की बताकर स्थानिक लोगों एवं बिछोने वाले लोगों से हफ्ता वसूली की जा रही थी। उसी दौरान स्थानिक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी ने एकजुट होकर उन दोनों हफ्ताखोर बदमाशों की जमकर पिटाई की और उन्हें अच्छी तरह मेथी पाक चखाया। बताया जा रहा है कि पुलिस और पालिका द्वारा बहुत पहले ही गरीब और श्रमिक लोगों के हक के लिए हफ्ता वसूली बंद करवा दी गई थी, लेकिन गत रोज दो अनजान व्यक्तियों द्वारा शनिवारी बाजार में लोगों से हफ्ता वसूली की जा रही थी, जिसके चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी स्थानिक लोगों ने एकजुट होकर उन दोनों व्यक्तियों की जमकर पिटाई की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया।